बहुत सारे लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा इंडिया का फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अब बहुत सारे लोग अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको जो अप्लाई किया है उसका स्टेटस देखना है तो सबसे पहले आपको ब्राउज में चलना है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जिनका रिजेक्ट हुआ उनको क्या करना है, जिनका अप्रूव हुआ है उनका क्या होगा और जिनका पेंडिंग पड़ा है उनका क्या होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउज में जाएंगे। ब्राउज में जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है MOC refund.crcdia.gov.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको जमा करता है यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड लास्ट 4 अंक डालना, उसके बाद आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालना, उसके बाद OTP प्राप्त करने पर सेट करना। OTP को डालने के बाद OTP सत्यापित करने पर क्लिक करेंगे। ये इस तरह से आपका खुल गया है। देखिए यहाँ पर खुल गया है। देखिए इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा है। मैं और सारे अभी दिखा देंगे। एग्जाम्पल मैंने एक लोग का भी ओपन किया है, इसके बाद मैं और सारे फॉर्म आपको दिखाऊंगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखा दे रहा है दावा दिनांक, यहाँ पर दिखा रहा है 21 तारीख। यहाँ पर देखिए दावा का दिनांक, आपका दावेदार आवेदन संख्या यहाँ पर दिखा दे रहा है। बहुत सारे लोगों का शो नहीं कर रहा था तो वो भी आपका यहाँ पर दिखा दे रहा है। स्टेटस यहाँ पर अप्रूव्ड है, पेंडिंग है, रिजेक्टेड है वो दिखा दे रहा है। ये आपका सदस्यता संख्या दिया गया है, ये आपका अकाउंट नंबर दिया गया है, उसके बाद रसीद संख्या, प्रमाण पत्र संख्या दिया गया है, ये चीज़ें। उसके बाद जमा करने की थी सारी चीज़ें, राशि दी गई है। उसके बाद स्टेटस जो पेंडिंग है पेंडिंग दिखा रहा है, जो रिजेक्टेड है रिजेक्ट दिखा रहा है। जैसे इसमें यह पावन लिंग का रिजेक्ट दिखा रहा है, ये इसमें फिक्स डिपॉजिट वाला है, इसमें कोई इसमें गलत भी नहीं है फिलहाल, और रिजेक्ट भी कर दिया गया है। रीजन क्या होगा ये अभी नहीं पता चल रहा है, इस चीज़ बाद में जब पता चलेगा तो मैं आपको ये क्लियर बता दूंगा। एक स्टेटस ये है। चलिए मैं और उसी का किसी दूसरे का ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या इसमें प्रॉब्लम हो रही है। मैं यहाँ पर फिर से इसे डालता हूँ MOC refund.crcdia.gov.in। आप मैं दोबारा ओपन कर दे रहा हूँ। 3-4 लोगों का मैं देख दे रहा हूँ तो उससे मैं क्लियर हो जाएगा हाँ क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। जमा करता लॉगिन में जाऊँगा, यहाँ पर वही आधार का लास्ट 4 नंबर और मोबाइल नंबर डालूंगा, OTP पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर OTP सत्यापित पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये आपका खुलकर आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये अभी जिसका जिसका फॉर्म गलत हो गया था तो उसका यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें आ रहा है। यहाँ पर देखिए अगला पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम गांव बैंक दिखा रहा है ये। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा दोबारा भरने के लिए आ जा रहा है। बहुत सारे लोगों का फॉर्म ऑटोमेटिक लॉक हो गया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उनका दोबारा फॉर्म यहाँ पर भरने का ऑप्शन खुला। देखिए एक ये फॉर्म था ये ऑटोमेटिक यहाँ पर भरा गया था, लेकिन यहाँ पर ये दावा पत्र ये अपलोड नहीं हुआ था और फॉर्म ये गलत था। अगर आप सदस्यता संख्या गलत डाले हैं और खाता संख्या कुछ भी गलत डाले हैं तो आपका फॉर्म वो फिर से भरने के लिए खुल जा रहा है। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पर देखिए दोबारा खुलने के भरने के लिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप दावा सोसाइटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जिन ये चीज़ें सही हो रही हैं कि जिन लोगों का अगर खाता सदस्यता संख्या या खाता संख्या गलत पड़ गया है तो दोबारा खुल रहा है, वो चीज़ हट गई है, दोबारा आवेदन कर सकते हैं, ये इस तरह दिखा रहा है। और बहुत सारे लोगों का इस तरह से सारा रिजेक्ट बता दिया गया। उसमें अब ये भी हो सकता है कि शायद नेम का मिसमैच हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या अमाउंट कम ज़्यादा डाल दिया गया ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो गया है। बहुत सारे लोगों में जो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो फिक्स डिपॉजिट है तो वो चीज़ सही डाला गया है, वो चीज़ गलत हो सकती है, क्या है ये। बहुत सारे लोगों में सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दिया गया है और बहुत सारे लोगों को पेंडिंग किया गया है, ये क्या है ये सिस्टम खुलने के बाद ही पता चलेगा। अभी फिलहाल स्टेटस इस तरह से शो कर रहा है और इसमें अभी एडिट करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं आया है फिलहाल। अभी क्या होता है इसके बाद जो भी होगा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल स्टेटस इस तरह दिख रहा है किसी के साथ, अभी रिजेक्टेड दिखा रहा है मोस्टली लोगों को, रिजेक्टेड दिखा रहा है या तो पेंडिंग दिखा रहा है, अभी अप्रूव्ड किसी का दिखा नहीं रहा है। बाकी सहारा से जुड़े रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब देखो किस तरह से गवर्नमेंट लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, बताइए। पहले तो एक तो यहाँ पर फॉर्म भरवाया, यहाँ पर सारी चीज़ें फॉर्म भरवाने के बाद इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। इसमें रिजेक्ट किया है तो रीज़न भी नहीं दिखा रहा है कि रीज़न क्या है इसमें। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं इनका सारा का सारा रिजेक्ट कर दिया। और किसी किसी का तो पेंडिंग डाल दिए हैं, किसी किसी का किसी एक के दुखी का अप्रूव किए हैं तो किए हैं, नहीं उनका भी पेंडिंग पड़ा है। इस तरह से चीज़ें फिलहाल जो भी होगा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल ये क्या हो रहा है, रीज़न क्या है रिजेक्ट होने का, रीज़न क्या है पेंडिंग होने का, ये चीज़ मैं आके आपको वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इसके बाद मेरा अगला वीडियो आएगा, मैं डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताऊँगा थोड़ा एनालिसिस करके कि हाँ ये रीज़न किस लिए हो रहा है।